नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम आकली में चुनावी प्रचार प्रसार करने गए सरपंच पद हेतु प्रत्यक्ष महिला उम्मीदवार इंद्राबाई पति माणक धनगर निवासी रूपावास व वाहन चालक चांदमल मेहतर के साथ आकली के कुछ लोगों ने प्रचार करने से रोका व इनके साथ मारपीट की व चुनावी प्रचार के नकली मतपत्र फाड़े, जिसके बाद फरियादी व अन्य लोग मनासा थाने पहुंचे। घटनाक्रम की पूरी जानकारी देते हुए माणक लाल धनगर ने बताया कि आज 10:30 बजे करीब आकली में चुनावी प्रचार के लिए ड्राइवर चांदमल के साथ मैं मेरी पत्नी इंद्राबाई गए हुए थे। तभी पंचायत भवन के सामने मुझे गांव के ही मंगल सिंह पिता बापू सिंह अर्जुन सिंह पिता बापू सिंह सोंधिया राजपूत निवासी सोजावास ने गालियां देते हुए प्रचार प्रसार करने से रोका तथा हाथ से नकली मत पत्र लेकर फाड़ दिए। चांदमल व पप्पू मेहता ने आकर बीच बचाव किया तो सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा दोबारा प्रचार करने आए तो जान से खत्म कर देंगे, जिसके बाद इंद्राबाई व माणक धनगर मनासा थाना पहुंचे। मामले के बाद मनासा थाना पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। ग्राम पंचायत के सामने खड़े थे, वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी हमारी, अर्जुन सिंह और मंगल सिंह दोनों आए, आके वो पर्चा वर्चा फाड़ दिया कि यहाँ से निकलो, गाँव में घूमने देंगे तुमको, प्रचार भी नहीं करना है, और फेंट वेट पकड़ ली, एक लकड़ी थी साथ में उसको फेंकी तो वो डंडी यहाँ पर लगी, उन भाभी के साथ के लगी और मेरे से बोला कि तू साथ में गाड़ी लेके मत घूम, इनके यहाँ से निकल। अर्जुन सिंह ने बोला, मंगल सिंह ने, दोनों ने जान से मार दें, जाति से तो गाड़ी दी अनशन बोला उन्होंने, क्यों उन्होंने चांदमल महागढ़ रहता हूँ, इनका ड्राइवर हूँ। कौन कौन आया था? मंगल सिंह और अर्जुन। और ये हाथ में क्या है? ये फाड़िया मार, नकली मत पता था अभी तो। और ग्राम पंचायत आकली का अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसमें मेरी मिसेस प्रत्याशी है और हम आज सुबह की घटना है, 9 बजे घर से निकला, आकली गया, 1 घंटे भर तक मैंने प्रचार किया। उसके बाद मंगल सिंह और अर्जुन सिंह दोनों भाई आए, दो अन्य और व्यक्ति थे, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोले, और अर्जुन ने आके मेरी फेंट पकड़ी आखली में और मंगल सिंह ने डंडा फेंका मेरे मिसेज के लगी, और मेरे ड्रावर जो महागढ़ का था हरिजन समाज का, उसको भी भंगी भंगड़े ने मेरे मतपत्र भी छीन के फाड़ दिए, और यहाँ प्रचार प्रसार नहीं करने दूँगा, हमारी ठाकुरों की दबंग गई है, मैं मतलब मेरे समाज के जो लोग हैं वही जीतेंगे, तुम गायरों को या धनगर को नहीं जीतने दूंगा मैं, मारूंगा। फिर घर पे आए वापस वो दोनों भाई, मेरे घर पे मेरे बच्चे बच्चे थे, यहाँ आके भी लड़ी झगड़ा करा, और मंगल सिंह वापस फिर कह रहा है कि हम दबंग लोग हैं, तस्कर लोग हैं, और हम अवैध उत्खनन करते, पूरे सोजावा क्षेत्र की जितनी भी सरकारी ज़मीन है अवैध कब्जा कर रखा है। अभी भी अगर शासन प्रशासन या कलेक्टर महोदय कोई भी अधिकारी या मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की यह रिपोर्ट।